ओम नमः ओम नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो अध्यायारम नमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधमत्तम मंगलम वंदे संदर्ष्ट सिद्ध्यर्थम संदर्ष्टार्थ प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाजो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम जे झाया जानि कहि कम कलंक दहि नित्य निरंजन नान मैत्र परम नमः समय सारा अनुभूत्या चकाश्री स्वभावाय भावाय सर्व भावाय योग की कथाएं संसार की असारता पाप की विचित्रता दर्शाकर मोक्ष मार्ग में लगाने की प्रेरणा दी थी। वर्तमान युग की कथाओं के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने सोते हुए जीवों को जगाया भी है और सिखाया मोक्ष मार्ग। जैसे सोते हुए बालक को माँ जगावे और फिर औषधि दीजिएगा, बिना जगाए तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो जीव वैभव में मगन है, भोगों में मगन है, दो अवस्थाएं संसारी जीव की हैं मोह की तीव्रता में। यदि वैभव और भोग नहीं मिले तो उनके पाने के लिए आकुले थे, अगर मिल गए तो मगन हो जाए। तो जो वैभव को पाने के लिए आकुले थे वे आर ध्यान, और वैभव को पाकर के जो मग्न होते हैं वे रौद्र ध्यान। जिनके पास वैभव है प्राय उन्हें रौद्र ध्यान देखा जाता है, और जिनके पास वैभव नहीं है प्राय वे दुखी अनुभवते हैं आर ध्यान करते हैं। ये प्रथमान योग की कथाएं आर्त रौद्र ध्यान के अभाव के लिए है। संक्षेप में अगर कहें, देखो भाई कथाएं क्या कह रही हैं, कुछ पाने के लिए मचलो मत और कुछ पाकर के उछलो मत, कुछ पाने के लिए भटको मत और कुछ पाकर के अटको मत। हार मर गए आर ध्यान मजा आ गया। दोनों प्रकार के ध्यान पाप रूप हैं। इन दोनों प्रकार के ध्यानों के मूल में मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है। भगवान आत्मा त्याग उपादान शून्य स्वभाव से आनंदमय, कुछ पाने के लिए मचलो, एक विचार करो, भरा हुआ पात्र उसको भरने के लिए मचलो, ऐसा है। दृष्टांत बताया था, हाँ एक बालक था, बड़ा प्यारा सा बालक, छोटा था, 7-8 वर्ष का। तो दूध देने वाला आवे तो दूध देवे ना आपको, उसको दे, अब वो क्या करे, थोड़ा होता तो थोड़ा होता आदमी बस क्या थोड़ा होता थोड़ा होता। अब उसने क्या किया, उठा कर भर दिया, अब क्या करे बताओ, अब क्या करे,
अपूर्ण देखने पर विकल्प होती है और मिल गया। अपूर्ण देखने पर आनंद होता है जी। सुखी होना है, आनंदित होना है तो अपने को पूर्ण देखो। अपने को अधूरा समझ करके, अपूर्ण समझ करके उस अपूर्णता को बाहर से भरना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, ये मोह का महात्मा है, अज्ञान है। भगवान आत्मा अपने में अपने से सदा काल पूर्ण है और प्रत्येक वस्तु अपने अपने में पूर्ण है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये अध्यात्म कथन है। अध्यात्म कथन किसे कहते हैं? जिसमें आत्मा की प्रधानता से चर्चा। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये अध्यात्म कथन है और सब ने अपने में स्वयं पूर्ण, ये आगम का है। सब हैं अपने में स्वयं पूर्ण, प्रत्येक वस्तु अपने अपने गुण पर्यायों से पूर्ण है, भरा पूरा। अब जब भरा पूरा है, चार गिलास भर करके रख दो और आप खड़े हो जाओ, एक का दूसरे में कुछ करके बता। चार गिलास भर करके रख दो और फिर एक दूसरे को करो ऐसे बैठते हो, सीधे नहीं बैठते, तुम्हें ऐसे कम बैठे, बताओ है संभव? अब क्या करें, किसका किस्मत है? तो विश्व के सारे द्रव्य भरे हुए, कौन देव है और कौन देव है? देने लेने की व्यवस्था नहीं है, करने धरने की व्यवस्था नहीं। जब वह अपने में अपना कार्य कर रहा है, अनादिकाल से द्रव्य में पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है, आगे बोलो कुछ बोल पाओगे? और अनंत काल तक चलता रहेगा, हो सकता नहीं है, हो सकता। अनादि काल से पर्यायों में, द्रव्यों में पर्यायों का प्रवाह चला प्रत्येक द्रव्य, अनंत काल तक चलता रहेगा, हो सकता नहीं है, बीच में कोई टूट नहीं है, अवरोध नहीं है किसी प्रकार। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, देखो भैया परिणमन तो होगा, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो प्रमाद होगा, ज्ञान नहीं करोगे तो अज्ञान होगा, होगा ही। वो तो ऐसा थोड़ी है कि वस्तु बिना परिणमन के हो जाए, सही नहीं होगा तो गलत होगा, बता और क्या हो? अपना नहीं है वह पर होगा, उपाधेय नहीं है तो हे होगा, योग्य नहीं करोगे तो अयोग्य होगा, योग्य व्यवहार नहीं करेंगे तो अयोग्य व्यवहार होगा। और अध्यात्म का कोई बढ़िया कथन इसमें बोलो, ज्ञाता नहीं रहेंगे तो कर्तव्य आएगा, ज्ञाता नहीं अनुभव करेंगे तो कर्तव्य आए बना रहेगा नहीं, और कर्तव्य आएगा तो दुख आएगा। ज्ञाता रूप आत्मा है, अगर ज्ञाता रूप अनुभव नहीं करेंगे तो कर्तव्य के विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे, कर्तव्य बुद्धिया है, टटोल लो भीतर। जो कार्य हमारी इच्छा के अनुकूल होते हैं उनमें एक सहज निमित्त निमित्त संबंध काय का, उस कार्य का बोलो आगे है शांति रखो, उस कार्य का और तुम्हारी वर्तमान योग उपयोग का
निमित्त निमित्त संबंध बन जाए तो ऐसा लगता है हम नहीं किया है, हम ही कर रहे हैं। कभी कभी तो अहंकार की तीव्रता में तुम हमारे बिना करके ही देख ले, कोई करके दिखा दे, कोई करके दिखा दे, तुम ही तो कर रहे हो, कोई क्या करके दिखा दे। पागलपन है ये। करते तो आए बिना रहता नहीं, हम करते करते मरे जाते जी अपने आराम से, तो मरे जाओ करते करते से। उसे बोझा समझते हो, मरोगे तो उसमें क्या बात है, हम करते करते मरे जा रहे जी अपने आराम से। घर घर में बंटवारे का, घर घर में न्यारे है, पने से जी तो कारण होते हैं। कर्तव्य का अहंकार, भोगों की स्वच्छंद वृत्ति, अपने पराये का मिथ्या मिथ्या प्रकोप भाव, अपने पराये का सम्यक वेद ज्ञान नहीं, अपने पराये का मिथ्या भाव, भैया का है हमारा, इनका है हमारा, अपने पराये का मिथ्या भाव है। अपने को जाने बिना पर पदार्थों ने एक को अपना मान लिया, एक को पराया मान लिया, दोनों पराया नहीं है। जिसे तू भैया का कह रहा है वो भी पराया है, और जिसे तू अपना कह रहा है वो भी पराया है। जिसे दूर कह रहा है वह भी दूर है, जिसे वैभव कह रहा है वह भी दूर है। क्या करोगे आप सोचो, वस्तु की व्यवस्था को कौन बदलेगा? योग्य नहीं करोगे तो अयोग्य होगा, इसकी 10 बात लिखना, होमवर्क हो गया। यदि अपने को आत्मा नहीं अनुभवोगे तो शरीर में अपनापन आएगा, न जाने किस किस में अपनापन आएगा। अपनापन कराया था थोड़ी कोई जबरन, ये कहता है तुम अपना मानो। ये कवियों ने जो संवाद लिखा ना, उसमें तुझे लिख दिया भांग को पी भाई मतवारी का, का भांग पी ली तुमने, किसी का जो शरीर को साथ ले जाना चाहता है, अपना एहसान जताता है, हमने तुझे कितना कितना खिलाया पिलाया, कितने शौक श्रृंगार से सजाया, और तू क्या अब हमें छोड़ रहा है, क्या भांग पी ली तुमने? तीर्थंकरों के साथ हम नहीं गए, ये वसुधा काऊ की ना भाई, अस्ति बोलना, यह वसुधा काउ की न भाई, यह वसुधा वसुधा की ही रही है। आत्मा आत्मा ही रहा, आत्मा कभी अनात्मा नहीं हुआ, अनात्मा अनात्मा ही रहा, अनात्मा कभी आत्मा नहीं हुआ। तो दुखी क्यों है? जब आत्मा आत्मा है, अनात्मा अनात्मा है, तो दुखी क्यों है? ऐसा जाना नहीं, ऐसा माना नहीं, इसलिए दुखी। ये विकल्प अज्ञान की खान में से होती है, वो अज्ञान से होता है, उसका क्या कैसे अज्ञान से हमेशा जी की पीठ का वो पड़ो टीका आत्मा के दर्शन से दर्शन कैसे हुआ? आत्मा के आदर्शन से। तो आत्मा के आदर्शन से मिथ्या दर्शन क्या हुआ? बोलो, थोड़ा कठिन तो है लेकिन समझना चाहिए, सरस विषय है। हैं, सवेरे कितनी बात कही थी, भैया सुनो
आत्मज्ञान के बिना कोई देव ऐसा नहीं जो तुम्हें सुखी कर दे। तुम अगर आत्मा अपने को आत्मा नहीं अनुभवोगे, कोई देव ऐसा नहीं है जो तुम्हें सुखी कर दे। कोई ऐसा गुरु नहीं है जो सुखी कर दे। कोई ऐसा वैभव नहीं है वो तुम्हें सुखी कर दे। आत्मा को आत्मा ही उपाधि है। मतलब अपने को आत्मा अनुभवने से ही जीव सुखी होता है। दूसरी सारी कल्पनाएं मिथ्या उपाय झूठे। उपाय क्या है? विकल्प है, उपाय नहीं है, विकल्प है। अंधकार को मत देखो या प्रकाश करो। तुम उसे ही कह रहे हैं। तत्व दृष्टि से पढ़ो, देखने की दृष्टि चाहिए। चाहे सुकुमार चरित्र हो, चाहे अकलंक निकलंक का चरित्र हो, चाहे सुकौशल का चरित्र हो, भैया तत्व दृष्टि बिना तो कैसे काम चलेगा? सारे चरित्र, सारी कथाएं, चरित्र एक चरित्र और पुराण का अंतर तो मालूम होगा। एक व्यक्ति की जीवन की मुख्यता से होता है चरित्र, और जिसमें एक कथा के माध्यम से अनेकों कथाएं आ जाती हैं, उनको कहते पुराण। राम के माध्यम से पद्म पुराण में कितनी कथाएं आ गई। वज्रकर्ण की, सिंहगोदर की, उनमें से निकाल दिया कितनी कथाएं आ गई। की दल वगैरह की, ये सब उसी मार्ग। लेकिन हम ये कहते हैं कथाएं नहीं पढ़ना है, कथाओं के माध्यम से ये समझना है। देखो संसार का ऐसा वैभव भी अच्छा है। शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति आती है आत्मज्ञान से। कहां से आ गई सुकुमार को शक्ति? कहां से आ गई ऐसी शक्ति घोर उपसर्गों को सहन करने की? इसको कोई समाज तंत्र में से बोलना। आत्मज्ञान से उत्पन्न आनंद के बल से उस योगी को घोर उपसर्ग और परीक्षा भी किंचित भी खेद उत्पन्न नहीं कर सकते। क्या? आत्मज्ञान के से उत्पन्न आनंद के बल से उस योगी को घोर उपसर्ग और परीक्षा भी किंचित मात्र भी खेद उत्पन्न न खेदते, किंचित मात्र भी खेद उत्पन्न नहीं करते। शीत ग्रह में बैठे हुए जीव को तुम तो शीत ग्रह नहीं मानते हो अपने एसी कूलर। अरे व्यवहार के भी शीत घर तुम्हें पते तो नहीं है। अहिंसात्मक शीत घर होते हैं। आप गए कच्ची झोपड़ियों में चले जा, कुटी में चले जाकर के मालूम ही नहीं पड़ेगी यहाँ गर्मी है। हीटर में जाकर के बैठ जा तर घर में। शीत घर में बैठे हुए व्यक्ति को जैसी बाहर की धूप लू किंचित मात्र भी उष्णता उत्पन्न नहीं करती। बाहर की बरसात उसे गीला नहीं करती, बाहर की बरसात उसे भिगोती नहीं। बरसता हुआ पानी किसी को जबरन नहीं भिगोता। जो अपने घर से, जो अपने कमरे से बाहर आता है वही भीगता है। पानी रात भर बरसे तुम तो बिल्कुल नहीं भीगोगे, कमरे से नहीं निकलोगे। जो बाहर निकलता है वह भीगता है। समझ में? बहिरात्मा दुखी होता है, आत्मा कभी दुखी होता ही नहीं। आत्मा दुखी हो जाए तो सुखी हो कौन होगा? आत्मा न दुखी होता है न सुखी होता है। आत्मा को भूलने वाला बहिरात्मा दुखी होता है।
अंतरात्मा सुखी होता है, परमात्मा परम सुखी होता है, है? आत्मा आत्मा तो तत्काल सुख स्वरूप, तत्काल सुख स्वरूप। विचारना भाई, विचारना, सुकौशल महाराज का चरित्र भी तत्वज्ञान के आलोक में, तत्वज्ञान के प्रकाश में पढ़ना। सुकुमार का चरित्र भी तत्वज्ञान के आलोक में पढ़ना। विचार करो सुकुमार को मोह से मुक्त नाम घर में रोकने के लिए कितना उपाय किया। बाहर के उपाय झूठे हैं, कितने उपाय किए, बत्तीस प्राणियों से विवाह कर दिया, महल बनवा दिए, रत्न कमल की जूती बनवा दी, सब कर दिया। या तो बचा करो या बहुत शुद्ध भाषा बोला करो, ध्यान कर। सारी बातें मतलब काय के लिए, रोकने के लिए, और बगल में मुनिराज आ गए। महाराज आपसे निवेदन है, आप यहाँ मत रुको, हमारा लड़का चला जाए, आपके दर्शन करके, आपकी आवाज सुन करके, पास सुन करके चला जाए। भाई हम अपना नियम कैसे तोड़ेंगे। लेकिन जब काल लब्धि आई, उपादान की जागृति हुई, योग्यता हुई, सारे निमित्त अपने आप बन गए। कोई कल्पना कर सकता है, तो वही उतर के देखो नहीं क्या, यहाँ से उतर जाऊंगी क्या सोचो। चुका था और उन्होंने दूर किया, जाकर के दूसरा लेकर के चले गए। हम चले यहाँ, हम चले यहाँ, रुका जाओ। और मायाचारी हम जानते हैं, चले जाए इसलिए कह रहे नहीं नहीं अब आप लोग, और आप जो करोगे सो ही करेंगे, और आप नहीं नहीं जी, मायाचारी चलती रहती। हमें नहीं खाना, झूठ थोड़ी बोल रहे, बोल रहे खाना नहीं है, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे। अरे तो ठीक है, हम पूरी बना देते हैं, हम भगवान की चीज बना देते, अच्छा तो ठीक, कोई बात नहीं। मायाचारी चलती है, ध्यान रखना। हमें त्याग के साथ में क्रोध मान माया लोभ आदि सारी कथाएं कर, वैसे ही ज्ञान के साथ में सारी कथाएं अपने आप मिट जाएंगे। क्या पढ़ना, वैभव अथाह, आत्मा की आराधना के लिए ये वैभव छोड़ने लायक है, वो छोड़ने लायक है। माँ क्या कहेगी, रानियां क्या कहेंगी, नगर निवासी क्या कहेंगे, अरे जो कहना है तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, इस बात को सोचो। सभी ने चर्चा की थी हमने, उन्हें देखो भैया भाई से मत करो कोई काम, आज वो इसकी दृष्टि से करो, जो कुछ भी करना है आपको। अब आज तो हल नहीं पंडित, आज क्या करना, आज तो पंडित ज्ञान के टाइम आपको कोई परेशानी नहीं, आप पंडित तो है नहीं। हाँ ये थोड़ा ही है कि अनुशासन की बात, वो कुछ बताने के लिए है। आपका आज आज तो पंडित है नहीं, तो पंडित जी के लिए होता है ये काम।
अरे मुझे इतनी बातों को समझ करके कुछ मेरा है तो सो करना, अपने हित के लिए अनुशासन का पालन करना है, अपने हित के लिए तत्वज्ञान का अभ्यास करना है कि दुनिया को सोचो विचार करो, कोई हो या नहीं हो, कोई दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, इसके मतलब क्या है। गहरी बैठी है जड़े इन मिथ्या से पता है। हमने आपको कहा था बहुत गहरी है, ये कई प्लस पॉइंट है, वो आत्मा के भीतर नहीं होती स्वभाव में, इसलिए तुम्हारा उपयोग रूपी कांटा समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, उपयोग आत्मा तक सुनती तब ही बोखर के फैल जाएंगे, और वहां तक नहीं पहुंचेगा तो बीच बीच में कुड़कुड़ होती रहेगी। नंदी शोध सुख से